हाय एवरीवन, आईसर 2023 का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा। जेई एडवांस के थ्रू भी जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप पहली बार आए हो तो, एंड आप लोग के सपोर्ट की वजह से मेरे 2K सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिएगा, आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ मैं। तो जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं रात को सारी वीडियोस मैं आज रात को ही शूट कर रहा हूँ, ये कल का शेड्यूल बहुत बिजी है मेरा, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है, लेकिन कल की जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इमीडिएटली दे दूँगा किसी न किसी से टाइम निकाल के। लेकिन जो आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं, मतलब जो आपके काम की वीडियोज़ हैं, मैं आज ही शूट कर रहा हूँ उसको। तो इस वीडियो में विड्रॉल प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप सीट्स को विड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो विड्रॉल प्रोसेस के जैसे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है, तो 14 तारीख उसकी लास्ट डेट है विड्रॉल, लास्ट डेट है सीट एक्सेप्टेंस फी कर सीट एक्सेप्ट करने की या फिर रिजेक्ट करने की। एक्सेप्ट फ्रीज फ्लोट का सब कुछ मैंने बता रखा है, तो जिन बच्चों ने वॉच नहीं किया है सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सीट एक्सेप्टेंस फी पे कितना करना है, कैसे करना है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाकर के उन सबको चेकआउट करना। विड्रॉल का मैं बताने वाला हूँ 14 तारीख, जब तक आपका ये फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है तब तक आप अगर आप लोग विड्रॉ करते हो तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। फुल रिफंड यानी सीट एक्सेप्टेंस फी में जो एक मनी होता है एंड एक नॉन रिफंडेबल मनी होता है वो भी आपको रिफंड होगा, लेकिन उसके बाद आपका नॉन रिफंडेबल मनी आपका रिफंड नहीं होगा। अगर डेडलाइन के बाद आप लोग विड्रॉ करते हो तो नॉन रिफंडेबल मनी आपका नहीं विड्रॉ नहीं होगा, जो आपका वो है क्या कहते हैं एक्चुअल जो मनी है वो आपका विड्रॉ हो जाएगा, 25,000 रुपीज़ आपका वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो नॉन रिफंडेबल मनी है वो आपका वापस नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, अगर आपको विड्रॉ वगैरह करना है तो पहले कर लीजिएगा। तो फिलहाल मिलता हूँ अभी वीडियोज़ में। कैसे विड्रॉ करना है, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे को दीजिएगा, कुछ भी करना हो तो। मैं एक्चुअली लॉगिन आईडी पासवर्ड कोई दे नहीं रहा, मैं मांग रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चे को अलॉट हो चुका है कॉलेज तो प्लीज़ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दी, और बच्चों की हेल्प हो पाएगी आपके ज़रिए। तो इससे आपके आप ही के भाई बहन ब्रदर सिस्टर्स हैं जो आप इस साल का एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं अप्लाई किए हुए हैं, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ आप मुझे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दें, मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करूँगा जिससे आप लोगों को खतरा हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, और भी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ मैं। मेरे पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है इस वक्त जिससे मैं बना पाऊँ, तो आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को दे दो। फिलहाल मिलता हूँ कि वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।